हेलो व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर सईद है। हमने ये सेट्स थ्योरी का सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसका ये फिफ्थ लेक्चर है। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में रिलेशंस का टॉपिक स्टार्ट किया था और रिलेशंस की जो प्रॉपर्टी हैं, बेसिक प्रॉपर्टी डिफाइन की थी, उसकी टाइप्स डिफाइन की थी। ये उसी का लिंक्ड लेक्चर है। इसमें हम पार्टीशन पढ़ेंगे, पार्टीशन के बाद हम इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह इक्विवेलेंस रिलेशन जो है वो एक सेट की पार्टीशन करता है। उसके बाद उसमें इक्विवेलेंस क्लासेस भी डिफाइन की जाएंगी और फिर उसके एग्जांपल आएंगे। तो चलिए पार्टीशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी डेफिनेशन है, लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट। अ पार्टीशन ऑफ एस इज अ फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी disjoint subsets of S whose union is all of S। यहाँ तक इसको पहले समझते हैं। तो S मेरे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, मैंने उस सेट की पार्टीशन कर ली, उसके डिफरेंट पोर्शन बना लिए। तो मैथमेटिकली इसका मतलब होता है कि आपने उस सेट S के सबसेट्स लेने हैं, तमाम सबसेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। यानी जो फाई है, जो एम्प्टी सबसेट होता है हर सेट का, वो पार्टीशन में शामिल नहीं हो सकता। तमाम सबसेट जो है वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए और डिसजॉइंट होने चाहिए। डिसजॉइंट का मतलब है कि वो उनके एलिमेंट डिफरेंट आए। अगर आप कोई से दो सबसेट लें और उनकी इंटरसेक्शन लें तो उसका रिजल्ट एक एम्प्टी सेट आ जाए, तो उसको हम कहते हैं डिसजॉइंट सबसेट। और सबसेट में तीसरी बात ही होनी चाहिए, हुज यूनियन इज ऑल ऑफ एस। अगर आप उन तमाम सबसेट का यूनियन ले लें, उनके एलिमेंट इकट्ठा कर लें, तो सारा जो एस है वो रिट्रीव होना चाहिए। तो सबसेट में तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ऑल सबसेट्स शुड बी नॉन एम्प्टी, दे मस्ट बी डिसजॉइंट, और उनकी जो यूनियन है वो सारा का सेट एस को रिट्रीव करे, तो फिर हम कहते हैं कि वो जो सबसेट्स हैं वो सेट की पार्टीशन करते हैं। चलिए इसको जरा आप डायग्राम से देखते हैं। अगर मैं वेन डायग्राम की मदद से एक सेट डिफाइन करता हूँ, ये सेट आप एस कह लीजिए, ये एस एक सेट है, और मैं इस सेट के डिफरेंट पोर्शन करने लगा, सबसेट बना लगा। सपोज एक मैंने ये पोर्शन बना दिया, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, एक ये पोर्शन है, ठीक है। अब एक ये पोर्शन है, इनके नाम रख दीजिए। इसको आप एस वन कह दें, इसको एस टू कह दें, इस पोर्शन को एस थ्री कह दें, ये एस फोर है, एस फाइव है, ये एस सिक्स है, और सो ऑन। सपोज करने के ये एस एन है, ये आप साथ भी ले लीजिए, डजंट मैटर, फाइव नंबर होने चाहिए। तो देखिए ये इसके सबसेट्स हैं। तो सबसेट्स, पहली बात है कि सारे के सारे सबसेट्स नॉन एम्प्टी होने चाहिए। देखिए सब ने कुछ ना कुछ पोर्शन कवर किया हो, इट मीन्स नॉन एम्प्टी है। डिसजॉइंट होने चाहिए, मतलब कोई भी पोर्शन ओवरलैप ना करे। S1 का कोई भी एलिमेंट S2 में ना आए, S2 कोई एलिमेंट S6 में ना आए, किसी भी दो जो इसके सबसेट्स हैं उनमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। नंबर थ्री, उनको ज्वाइन करें तो पूरा सेट आ जाए। देखिए S1 S2 जो इकट्ठा करेंगे, ये सारी रेक्टेंगल का पोर्शन कवर कर लेगा, कोई भी पोर्शन उसका बाकी नहीं रह जाएगा। मीनिंग ये कि आप S का कोई भी एक एलिमेंट लें, A ले लें एलिमेंट, तो जो A एलिमेंट होगा वो एग्जैक्टली एक सबसेट उसमें एग्जिस्ट करेगा जिसमें वो एलिमेंट A, और जरूर करे। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें हो ही ना, वो किसी ना किसी एक ही सबसेट में होगा, किसी दूसरे में नहीं आएगा। तो इसे ये इस अगर ऐसा हो जाए, अगर एस के जो सबसेट है वो इस तरतीब में होने हो, तो फिर हम कहते हैं कि तमाम जो सबसेट्स हैं वो मिलकर उस एस सेट की पार्टीशन करते हैं। मैथमेटिकली इसको यूँ लिखें कि मैंने क्या किया है कि ये सबसेट ले लिए, एस आई लिया है, आई की वैल्यू वन टू थ्री सो वन है, तो इसका मतलब कि इसमें एस वन होगा, S2 होगा, S3 होगा, so on, Sn। इसके अंदर n सबसेट्स हैं, और उन n सबसेट्स में, और जो n सबसेट्स हैं वो इस तरह हैं कि उनमें वो दो कंडीशन होगी। देन P जो होगा, जो मैंने इसके पार्टीशन, जो उस कलेक्शन का नाम मैंने P रख दिया, इस पार्टीशन ऑफ S इफ इट सैटिस्फाइज ऑफ ऑल टू प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी नंबर वन ये है कि तमाम सबसेट का आप यूनियन लें, एस वन यूनियन, एस टू यूनियन, एस थ्री सो वन, एस एन का यूनियन लें, तो सेट एस आपका रिट्रीव होना चाहिए, उसकी जो यूनियन है वो एस के बराबर होना चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर टू ये है कि आप उनमें से कोई भी दो डिफरेंट सबसेट ले लें, एक एस आई ले लें, एक एस जे ले लें,
और डिफरेंट आएगी। मतलब अगर आपने एक S1 लिया है तो फिर दूसरा S2 होना चाहिए, या फिर S3 हो या फिर S4 हो, वो दोबारा S1 नहीं हो सकता। आप S1 की S1 के साथ नहीं ले सकते। डिफरेंट सबसेट्स की इंटरसेक्शन लीजिए तो आंसर 5 आ जाए, मतलब एम्प्टी सेट आ जाए। तो अगर ये दो कंडीशन पूरी हो जाए तो फिर इस P को कहते हैं कि ये सेट की पार्टीशन है। चलिए आइडिया को जरा एलेबरेट करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल ली हैं। मैंने एक सेट एस लिया है जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट है। मैं इसके पॉसिबल तीन पार्टीशन लिए हैं। मैंने देखना यह है कि इनमें से कौन सी पार्टीशन है जो ये प्रॉपर्टी पूरी करती है। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सेट्स के अंदर मैं एलिमेंट थोड़े जो है ना तरतीब नहीं ले सका। ये आप इसमें देखिए, ये जहाँ पर ये टू लिखा हो ना, जैसे यहाँ पर ये फाइव है, ये भी यहाँ पर टू लिखा है, ये फाइव है, थोड़ी सी लिखने में टाइप मिस्टर, ये फाइव एलिमेंट। चलिए फिर पी वन देखते हैं। पी वन में देखिए तीन सबसेट है, एक उसके अंदर जो है वो एस वन के लिए ये दिया हुआ है, एक सबसेट ये है और एक सबसेट इसका, ये तीन सबसेट है। एस वन कह लीजिए, इसको एस टू कह लें, इसको थ्री कह लें, तो तीन सबसेट लिए गए हैं। कि हम देखना चाहते हैं कि ये तीन सबसेट हैं, ये दो प्रॉपर्टियाँ पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। चलिए पहले प्रॉपर्टी नंबर टू देखिए, ये चेक करना आसान है। कोई से भी दो सबसेट लीजिए, उनमें कोई भी इंटरसेक्शन अगर उनके लिए तो वो फाइव आनी चाहिए, कोई एलिमेंट जो है वो कॉमन ना हो। अच्छा इसमें देखिए, इसमें वन है, फाइव है और थ्री है। नेक्स्ट में टू और सिक्स है, तो देखिए वन थ्री फाइव में और टू सिक्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। इसका और इस सेट का आपस में इंटरसेक्शन फाइव होगा। आप इसका थर्ड सेट ला लीजिए, फोर एट नाइन है, सारे एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं। इन तमाम तीनों सेट जो सबसेट लिए गए हैं, इनके तमाम के एलिमेंट डिफरेंट आ रहे हैं। इट मीन्स इनकी जब भी आप इंटरसेक्शन लेंगे आपस में, हर दफ़ा वो फाइव आएगी जो सेकंड कंडीशन पूरी होगी। फर्स्ट कंडीशन चेक कीजिए। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, इन तमाम का आप ले लीजिए यूनियन, लीजिए यूनाइट कीजिए तीनों का। तो कीजिए, पहले इसका देखिए वन आएगा, फिर देखिए मैं तरतीब लिख रहा हूँ तो कहीं इसमें टू भी मौजूद है, टू भी आ जाएगा। देखिए इसमें थ्री भी मौजूद है तो इसमें थ्री भी आ जाएगा। फोर भी यहाँ पर मौजूद है, फोर भी ले लीजिए। फाइव भी है इसके अंदर, सिक्स भी है, उसके बाद देखिए एट है और नाइन है, सेवन यहाँ पे कहीं नहीं। तो जो सेट आया है दिस इज नॉट इक्वल टू एस, क्योंकि एस के अंदर देखिए सेवन भी आना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि जो उसके सबसेट्स हैं इनका यूनियन एस नहीं आया है। एक कंडीशन पूरी हो गई है लेकिन दूसरी कंडीशन पूरी नहीं है, तो बाय डेफिनेशन ये जो पी वन है ये सेट एस की पार्टीशन नहीं है, ये पार्टीशन नहीं। पी टू पे आ जाइए, पी टू पे चेक कीजिए। पहला जो सेट लिया गया है, सबसेट लिया गया 1, 5, 3 है, दूसरे में 2, 4, 6, 8 है और तीसरे में 5, 7, 8 है। आप देख सकते हैं कि 5 यहाँ पर भी आ गया और 5 इस सेट में भी आ गया। तो देखिए इसके अंदर दो सबसेट ऐसे मिल गए हैं जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं है, यानी एक एलिमेंट है वो एक से ज़्यादा सेट में आ गया। तो इसकी जो कंडीशन नंबर टू है ये वायलेट हो रही है, लिहाजा ये भी पार्टीशन नहीं है। अब P3 पे आ जाइए, जो P3 है उसमें देखिए 1, 3, 5 है, फिर 2, 4, 6, 8 है, फिर 7, 9 है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। और इस दफ़ा जब उनको यूनाइट करेंगे इसमें 1 भी आएगा, 2 देखिए ये इसका 1 है, ये इसमें 2 है, इसमें 3 भी आ गया है, इसमें 4 भी आ गया है, इसमें देखिए ये 5 भी मौजूद है, इसमें 6 भी मौजूद है, इसमें 7 भी है, इसमें 8 भी है, इसमें 9 भी है। अब जब इसको यूनियन लेंगे तमाम सबसेट्स की तो वो एस बन जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट डिसजॉइंट हैं, नॉन एम्प्टी हैं, यूनियन लेंगे तो एस आएगा। तो देखिए ये तीनों कंडीशन पूरी कर रहा है, ये जो पी थ्री है ये सेट एस की एक पार्टीशन है। अगर आप इसको ड्रॉ करना चाहें, देखिए आप इसको भी ड्रॉ करके देख लीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर ये लेता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर तीन इसके हिस्से किए हुए हैं, तो मैं इसके तीन हिस्से कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ और ये कर लेता हूँ। तो देखिए इसका एस है, ये मैं पी थ्री की ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए पहले में 1, 3, 5 है, तो आप इसको एस वन के लिए, इसमें 1 है, 3 है, 5 है, दूसरे में 2, 4, 6, 8 है, ये 2 आ गया, इसमें 4 भी है, इसमें 6 भी है, 8 भी है, तीसरे में देखिए 7 है और 9। तो देखिए कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, 1, 3, 5 इधर है तो यहाँ कहीं 1 नहीं है, कहीं 3 नहीं है, कहीं 5 नहीं है। ये जो 2, 4, 6 और 8 वाली पोर्शन है इसके जो एलिमेंट है वो इधर से मैच नहीं हो रहे, तीसरे वाले के इससे नहीं हो रहा, उनको ज्वाइन कीजिए। 1 भी है, 2 भी, 3, 4 सारे एलिमेंट एस के अंदर मौजूद हैं। इट मीन्स ये उसकी एक पार्टीशन है। इस तरह अगर आप एस पी टू की बनाएंगे ना, अगर पी टू के आप इसे डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे वहाँ पे 5 जो होगा वो दो पार्टीशन में आ जाएगा, तो वो वायलेट कर देगा उसके कंडीशन। इट मीन यहाँ पे देखिए जो कि बस पार्टीशन जी थी पी वन, पी टू, पी थ्री, सिर्फ पी थ्री जो है
वो एक्चुअली सेट एस की पार्टीशन है। तो ये आइडिया है पार्टीशन का, किसी भी सेट को आप जो है उसके सबसेट्स के जरिए पार्टीशन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट एस बी अ नॉन एम्प्टी सेट, अ रिलेशन ऑन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव। अ रिलेशन यहां पर लिखिए आर, ऐसे ही उसका नाम भी है आर। ऑन एस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। तीन उसमें प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मैंने पिछले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि फ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांसिटिव क्या होता है। तो हमारे पास एक सेट एस है, नॉन एम्प्टी है, और उसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया गया। रिलेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन किया, अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो आप पिछला लेक्चर देखिए, मैंने उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हुआ है, लेक्चर नंबर 4 है वो। रिलेशन क्या होता है, ये एस बाई, क्योंकि एस के ऊपर है तो एस बाई एस, एस क्रॉस एस जो होगा उसका कोई सबसेट होता है। और ये जो रिलेशन है इसमें तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इसको रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, इसको सिमेट्रिक भी होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अच्छा अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या होते हैं ये मैंने आगे डिफाइन दोबारा से कर दिए। अच्छा ऐसा रिलेशन में ये तीनों प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए इसको अब ये इन तीनों जो टाइप्स हैं इनको जरा मैं इलेबरेट कर देता हूँ। Thus, R is an equivalence relation on S if it has the following three properties. तो पहले क्या है, ये reflexive property, ये मैंने ऊपर लिखा था reflex, लिखा था reflexive, ये पहले वाली reflexive है। इसमें क्या है, for every A belong to S, S जो set आपने लिया non-empty, इसका हर element के लिए A, comma A जो है वो R में होना चाहिए, ठीक है। A, comma A क्या होता है, ये relation का एक element है। इसको यूं भी लिखते हैं, याद रखिए इसको ऐसे भी लिखते हैं, A, R, A, इसको यूं भी लिख देते हैं कि ए का ए के साथ रिलेशन है, ये उसमें होना चाहिए हर एलिमेंट। देखिए फॉर एवरी एस में अगर तीन एलिमेंट है तो तीनों का जो अलग अलग बनेगा ना, अगर सपोज करें इसके अंदर वन है, टू है और थ्री है, तो फिर इसमें अब वन वन भी होना चाहिए, टू टू भी होना चाहिए, थ्री थ्री भी होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि वो जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, ठीक हो गया। प्रॉपर्टी नंबर ये वन होगी, टू में है कि अगर उसमें ए बी है, उस रिलेशन में अगर ए बी है, अगर उसमें ए बी है तो उसका जो इनवर्स होगा यानी बी ए होगा वो भी उसके अंदर होना चाहिए। और इसको इस लैंग्वेज में लिखेंगे कि अगर उसके अंदर ए आर बी है इम्प्लाइज उसके अंदर बी आर ए भी होना चाहिए, अगर ए आर बी है तो बी आर ए भी होना चाहिए, यानी इफ कंडीशन है कि इफ अगर ये है तो फिर उसमें होना चाहिए। तीसरा जो प्रॉपर्टी है वो होती है ट्रांजिटिव, ये सेकेंड वाली को हम सिमेट्रिक कहते हैं। तीसरी ट्रांजिटिव कि अगर उसके अंदर दो बातें, अगर ए बी उसके अंदर है और उसके साथ साथ बी सी भी उसके अंदर है, देखिए ए बी है जहां से बी एंड हो रहा है वहां थर्ड सेकंड वहां स्टार्ट हो रही है, बी सी भी है तो फिर जो ए होगा स्टार्टिंग वाला और सी जो एंडिंग वाला वो भी उसके अंदर होना चाहिए। और इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि ए आर बी और ए सॉरी और बी आर सी अगर उसके अंदर है तो फिर ए आर सी भी उसके अंदर होना चाहिए। तो अगर एक रिलेशन ये तीन प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्लेक्सिव है, वो सिमेट्रिक है, वो ट्रांजिटिव है, तो फिर हम इसे कहते हैं कि वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा ये इक्विवेलेंस रिलेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही है जिस सेट पे डिफाइन कर लें ये उसकी पार्टीशन कर देता है, यानी पार्टीशन की जो प्रॉपर्टीज दो थी वो हर दफा ये पूरी करेगा अगर आप अगर वो इक्विवेलेंस हुआ तो। चलिए इसकी एग्जांपल देखिए पहले कि जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इसकी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह के रिलेशन इक्विवेलेंस होते हैं। चलिए एग्जांपल वन ली है, मैंने सेट एस लिया है वो आर ले लिया, आर क्या होता है सिर्फ रियल नंबर, सारे पॉजिटिव नेगेटिव रैशनल इरैशनल ये सारे नंबर रियल नंबर जो सारे इकट्ठे कर लें एक बहुत बड़ा इन्फिनिट सेट है उसको मैंने एस ले लिया। एंड डिफाइन अ रिलेशन आर, अब मैं जो रिलेशन आर डिफाइन कर रहा हूँ वो इस तरह है उस सेट एस में, एक्स रिलेटेड टू वाई इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ये इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने रिलेशन डिफाइन करना है, आपकी डेफिनेशन है कि आप किस तरह रिलेशन डिफाइन करते हैं, फिर आपने उस डेफिनेशन के ऊपर ये चेक करना होता है क्या वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और क्या ट्रांसिटिव है या नहीं। तो हमने डिफाइन किया है कि जो हमारा सेट एस है जो इन इन इनफैक्ट आर है रियल नंबर, देखिए ये रियल नंबर का आर होता है, ये इसको आप एज ए स्टाइलिश चार कह लें, ऐसे इसको डिफाइन कर, डजंट मैटर इसको एस ही कह दें। और ये जो आर ये रिलेशन वाला आर है तो उसमें कोई एलिमेंट उस सेट S में से कोई दो एलिमेंट लें, एक मैंने X ले लिया एक मैंने Y ले लिया। अब कहते हैं X और Y का X और Y रिलेशन तभी रिलेटेड होंगे इफ एंड ओनली अगर वो बराबर हों,
x is equal to y, मैंने इस तरह डिफाइन किया हो, तो अगर वो एलिमेंट बराबर है तो फिर वो रिलेटेड है, तो क्या इस डेफिनेशन के तहत क्या जो r है, जो रिलेशन डिफाइन किया गया है, क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है? अगर इक्विवेलेंस है तो तीन प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ेगी। लेट्स चेक इट आउट, हम चेक करते हैं क्या ये तीन प्रॉपर्टीज के अंदर है या नहीं। देखिए पहली प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसके लिए क्या करते हैं हम, एक हम उसके अंदर लेंगे कि फॉर ईच, फॉर एवरी कर लें, फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एस, कोई उसके अंदर एस लीजिए, तो इसका मतलब हुआ कि एक्स आर एक्स होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में देखिए ऊपर मैं डिफाइन किया हुआ है कि हर एलिमेंट जो एस में लिया जाएगा, तो ये ए कोमा ए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कोमा ए उसके अंदर होने या ए आर, डजंट मैटर, जो अभी आप यूज करना चाहें। ये जो सेकेंड रोटेशन है आर वाली, ज्यादातर कॉमनली इसको इस्तेमाल करते हैं, मैं यही इसको इस्तेमाल करता हूँ। तो एक्स आर एक्स होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या बनता है, ऊपर आ गई हमारी जो डेफिनेशन थी, पर इस डेफिनेशन कि एक्स आर वाई का मतलब है कि वो एलिमेंट बराबर होने चाहिए। तो एक्स आर एक्स का क्या मतलब होगा, इफ एंड ओनली इफ की ये शॉर्टर फॉर्म है, ऐसे आई डबल लगा देते हैं, एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो देखिए ये बात ट्रू है, हर रियल नंबर अपने आप के बराबर होता है। ये जो एक्स आर एक्स है, इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स था, और ये बात ट्रू है। कोई भी आप एस में से आप नंबर लीजिए जो कि रियल नंबर हैं, हर रियल नंबर अपने आप के बराबर होगा। ये जो प्रॉपर्टी है हर रियल नंबर के लिए ट्रू है, लिहाजा जो ये आर है, जो रिलेशन है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी देखिए पूरी होगी। नेक्स्ट हमने चेक करनी है सिमेट्री, कि जो रिलेशन है इसको सिमेट्रिक होना चाहिए। और देखिए सिमेट्री की डेफिनेशन ऊपर लिखी हुई है, अब दूसरी चेक कर लीजिए, इसको चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक होना चाहिए, हम कहते हैं कि इट शुड बी सिमेट्रिक, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। सिमेट्री के लिए क्या होता है कि इफ, इसमें इफ आता है, ये देखिए मैंने इफ यहां लिखा होता है सेकंड पेज में, हम बात इफ से करते हैं कि इफ एक्स रिलेटेड वाई है तो फिर वाई रिलेटेड एक्स भी होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं, इफ एक्स रिलेटेड वाई है, अब बाय डेफिनेशन अगर एक्स रिलेटेड वाई है तो इफ एंड ओनली इफ क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। तो देखिए ये अगर एक्स आर वाई है तो इसका मतलब ये बनता है बाय डेफिनेशन, और इसको आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू वाई को आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स, बिल्कुल क्लियर सी बात है। अगर एक्स वाई के बराबर है तो ऑफकोर्स वाई भी एक्स के बराबर होगा, और इसका मतलब क्या होगा, इफ एंड ओनली इफ ये लिखा जाएगा वाई आर एक्स के बराबर। देखिए अब इसको इसका ऑर्डर चेक कीजिए, ये चीज दी हुई है कि अगर एक्स आर वाई है तो इसका मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू वाई, चाहे आप यहां से पढ़ लीजिए कि अगर एक्स आर वाई है तो इसका मतलब कि एक्स बराबर वाई होगा, यानी एक्स लेफ्ट में है तो एक्स उसके लेफ्ट में आ गया, वाई उसके राइट में इक्वल कर दो वाई उस आर के वाई राइट पे आएगा। अब यहां मैंने क्या किया कि एक्स और वाई को मैंने यू लिख दिया है, अब देखिए वाई उसके लेफ्ट में आ गया, एक्स उसके राइट में आ गया, तो ये जो बनेगी भी ऐसे लिखा जाएगा, वाई पहले आएगा और आर के बाद एक्स आएगा, और यही मेरी डेफिनेशन सिमेट्री की थी। ये देखिए ऊपर यही डेफिनेशन थी कि अगर ए आर बी हो तो फिर बी आर ए भी होना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया कि अगर एक्स आर वाई था तो वाई आर एक्स हो गया। इट मीन्स कि हमारा जो रिलेशन है, इसका मतलब जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, सो आर इज सिमेट्रिक। हम इससे ये कंक्लूड करेंगे, यहां भी आप कह सकते हैं कि इट मीन्स कि जो आर है वो इज रिफ्लेक्सिव, आप साथ इसमें लिख सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव। तीसरा केस रह गया जी हमारे पास ट्रांजिटिव, क्या आर ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो लेनी होती है, इफ कि अगर एक्स रिलेटेड टू वाई हो एंड वाई रिलेटेड टू जेड हो, फॉर ऑल एक्स वाई एंड जी बिलोंग टू, जो हमारा सेट एस है। तो अगर ये ऐसा है तो फिर हमें देखना है कि जो पहला एलिमेंट एक्स है क्या वो जी से रिलेटेड है। चलिए चेक कर लीजिए, अब एक्स आर के रिलेटेड इसका मतलब होगा इफ एंड ओनली को इस तरह भी लिख सकते हैं, ये डबल इंप्लाइज, इसका मतलब कि एक्स इज इक्वल टू वाई होगा बाय डेफिनेशन, एंड और इसका मतलब है कि वाई इज इक्वल टू जेड होगा। अब देखिए अगर एक्स वाई के बराबर है और वाई जेड के बराबर है, तो फिर लाजमी बात है कि जो एक्स होगा वो जेड के बराबर आएगा। तो हम इससे ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि एक्स होगा वो z के बराबर है, और इसका मतलब है कि ये x r z बन जाएगा,
और देखिए ए बी से जा रहा है, बी सी से जा रहा है, तो ए सी से चला गया, सेम उसकी डेफ पूरी होगी। हम कंक्लूड करेंगे जो आर है इज ट्रांजिटिव। देखिए आर ट्रांजिटिव भी हो गया, आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर प्रिमिटिव भी है, आर ट्रांजिटिव भी है। तो इट मीन्स क्या हो गया कि जो आर रिलेशन था इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमने प्रूव कर दिया कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए हमने एग्जाम्पल वन को चेक कर लीजिए, अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर टू देखिए, इसमें क्या है, अब हमें जो एस लिया वो जेड के ऊपर मैंने पॉजिटिव लगा दिया। जेड क्या होता है, इंटीजर्स पॉजिटिव मिलकर सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर मिले। पॉजिटिव से कौन सा होते हैं मैं लिख रहा हूँ, जो पॉजिटिव इंटीजर है इसमें होता है वन होता है, टू होता है, थ्री होता है, फोर एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर ही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। याद रखिए इंटीजर्स के अंदर तो नेगेटिव भी शामिल होते हैं, जीरो भी होता है, लेकिन पॉजिटिव जब लिखा जाएगा ना तो नेगेटिव आएगा ना फिर जीरो आएगा, क्योंकि जीरो भी पॉजिटिव नहीं होता, नॉन नेगेटिव कहते हैं इसे। तो इसे वन टू थ्री फोर ये सेट मेरा अंडरलाइन सेट ये है, इसको हमने एस कह दिया। अब सब मैंने लिख भी दिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड डिफाइन अ रिलेशन आर। अब मैं जो आर डिफाइन कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, एन आर एम इफ एंड ओनली इफ एन डिवाइड्स एम, कि आपने इंटीजर्स में से कोई दो इंटीजर लेने हैं, एक का नाम एन रख दीजिए एक का नाम एम रख दीजिए। तो एन आर एम का ये मतलब है कि जो n होगा जो पहले वाला है ये दूसरे वाले को डिवाइड करे। डिवाइड करना क्या होता है, देखिए 2 जो है ये डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 4, ये 2 4 को डिवाइड करता है, क्योंकि अगर आप 4 ओवर 2 लिखेंगे तो आंसर 2 आएगा जो कि एक इंटीजर है। 2 डिवाइड नहीं करता 5 को, क्योंकि आप ऐसा इंटीजर नहीं ढूंढ सकते कि जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 5 आ जाए, तो वो उसको डिवाइड नहीं करता। ये डिवीजन हमारे पास, हम ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। तो रिलेशन ये है कि एन आर एम का मतलब है कि जो पहला वाला है वो दूसरे वाले को डिवाइड करे। तो वो हम अब ये चेक करना है कि अंडर दिस रिलेशन, जो ये जो रिलेशन है क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस के लिए 3 चीजें चेक करनी पड़ती है। नंबर 1 पे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, तो क्या जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है। क्या करेंगे हम लेंगे फॉर ईच या एवरी एन, किससे लेंगे, अपने सेट में से लेंगे। सेट क्या है, ये जी पॉजिटिव है और इसके लिए क्या होना चाहिए, इट इंप्लाइज कि जो एन है वो आर एन होना चाहिए। देखिए ऊपर आप फिर आ जाइए, जो इसकी डेफिनेशन थी रिफ्लेक्सिव की मैंने यहां लिखी थी, ये देख लीजिए ये इसकी डेफिनेशन है कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू एस ए कॉमा ए होना चाहिए, या इसको आप ए आर ए ये होना चाहिए। तो मैंने ए लिया यहां मैंने एन ले लिया, डजंट मैटर। चलिए अब देखना यह है कि क्या ये प्रॉपर्टी ट्रू है। अब इसका मतलब क्या है, ये रिलेशन डिफाइन किया गया, ये कहता है कि एन आर एम हो तो पहले वाले एलिमेंट दूसरे वाले को डिवाइड करना चाहिए। मेरा पहला एलिमेंट भी एन है दूसरा भी एन है, इसका मतलब क्या बनता है, इसका मतलब कि जो एन है वो डिवाइड्स करता है एन को। ये डिवाइड्स करिए, ये एक लाइन लगाते हैं, ये उसकी सिंबल मैथमेटिकल, एन एन को डिवाइड करता है। तो ये बात ट्रू है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है, 2 को डिवाइड करता है, 4 को डिवाइड करता है, 6 को डिवाइड करता है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। तो ये एक ट्रू बात है, ये करेक्ट है। और ये एस जो सेट है जो कि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसके हर एलिमेंट के लिए ट्रू है। कोई पकड़ लीजिए आप, 4 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, हर दफ़ा ऐसा होगा कि ये हर नंबर अपने आप को डिवाइड करेगा। तो हमने कंक्लूजन ये निकाला कि जो आर है इज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, पहली प्रॉपर्टी पूरी होगी। चलिए अब देखते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी क्या होती है, सिमेट्रिक। क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, उसके लिए क्या होता है, इफ हम इफ से स्टार्ट करते हैं, इफ एन आर एम हो, और एन एम क्या होंगे, ऑफ कोर्स सेट के एलिमेंट होंगे। अगर ऐसा है तो हमने प्रूफ करना है कि इसका जो इनवर्स होगा एम आर एन वो भी ट्रू होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, तो एन आर एम का क्या मतलब बनता है, इट मीन्स इसका मतलब बनता है बाय डेफिनेशन अगर एन आर एम हो तो पहले एलिमेंट को दूसरा एलिमेंट डिवाइड करना चाहिए। तो इट मीन्स जो एन होगा वो डिवाइड्स करेगा एम को। ये मैं सिंबल लिख रहा हूं, आप वर्ड में लिखिए एन डिवाइड्स एम। तो देखिए अगर एन एम को डिवाइड करता है तो क्या मैं कह दूं कि एम बी एन को डिवाइड करता है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, 2 डिवाइड करता है 8 को, क्योंकि 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें जवाब 8 आता है, और 8 और जो 4 है ये एक इंटीजर है, इसको घुमा दीजिए। क्या 8 2 को डिवाइड करता है,
अगर ए टू को डिवाइड करता है तो एट को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किसी ऐसे इंटीजर से मल्टीप्लाई करें कि जवाब टू आ जाए। और देखिए ऐसा कोई इंटीजर नहीं, ना वन है ना टू है, जब भी मतलब वो आठ से बड़ा आ जाएगा। इट मीन्स एट जो है वो टू को डिवाइड नहीं करता है। अगर एक नंबर दूसरे को डिवाइड करता है तो लाजमी नहीं है कि दूसरा नंबर भी पहले वाले को डिवाइड करे। इट डजंट इम्प्लाइज, डज नॉट इम्प्लाई कि जो एम है वो एन को डिवाइड करेगा। इट मीन्स हम नहीं कह सकते, इट मीन्स हम ये बात नहीं कह सकते कि मैं इम्प्लाइज के ऊपर ये क्रॉस लगा रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड सिंबल तो नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि जो एम आर एन होगा। इट मीन्स कि जो रिलेशन है आर इज नॉट सिमेट्रिक, वो सिमेट्रिक नहीं है। अगला ट्रांसलेट चेक करने की जरूरत नहीं है। एक प्रॉपर्टी फाइल होगी, हम कहेंगे कि जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। इट मीन जो आर है इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये जो रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ठीक हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर थ्री देखते हैं। देखिए इस दफा मैंने क्या लिया है, सेट जी ले लिया। जी इसमें क्या है, सारे के सारे इंटीजर जिसके अंदर जीरो भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव वन भी आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव टू भी आएगा, पॉजिटिव थ्री भी आएगा, एंड सो ऑन। सारे इंटीजर है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और जीरो भी है, ठीक है। मेरा एसेट बन गया, सेट ऑफ इंटीजर्स। और मैंने जो रिलेशन आर डिफाइन किया है वो मैंने ऐसे किया है कि एन आर एम, आप इस सेट एस में से कोई दो एलिमेंट एन और एम लीजिए, इफ एन ओनली वो आपस में रिलेटेड, रिलेशन उनका तब होगा जब एन माइनस एम इज डिविजिबल बाय टू। जब उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करें, एन माइनस एम करें, तो जो रिजल्टिंग नंबर आए उसको दो डिवाइड करता हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप ले लीजिए 6 और ले लीजिए इसके अंदर 10। तो देखिए ये n मेरा 6 हो गया और m मेरा 10 हो गया, तो n माइनस m पहले वाले में दूसरा माइनस कीजिए तो 6 माइनस 10 कीजिए, जवाब क्या आएगा, माइनस 4। ये जो माइनस 4 है क्या 2 इसको डिवाइड करता है? चलिए 4 को तो डिवाइड करता है हम जानते हैं, क्या नेगेटिव 4 को भी करता है? ऑफ कोर्स करता है। अगर एक नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर को डिवाइड करता है तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो है इट इज डिविजिबल बाय 4, इज डिविजिबल, डिविजिबल बाय सॉरी 2 नॉट 4। इसको यूं भी लिखते हैं, इस सिंबल को जो है लिखी हुई ना, ये एन बाय एम इज डिविजिबल बाय को यूं भी कहते हैं कि 2 डिवाइड्स एन माइनस एम, इसको यूं भी कह सकते हैं। वो मैंने वर्डिंग लिख दी है, ये मैथमेटिकल सिंबल है कि आपके दो एलिमेंट आपस में रिलेटेड उस वक्त उनका रिलेशन होगा जब 2 उनके डिफरेंस को डिवाइड करता होगा। मैंने चेक करना है क्या ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। चलिए पहले चेक करते हैं हमेशा की तरह रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी लीजिए, इसके लिए क्या करते हैं, फॉर ऑल ए, यहाँ पे आप एन ले लिए इंटीजर के लिहाज से, बिलोंग टू एस, एन आर एन ट्रू होना चाहिए। और एन आर एन क्या है, बाय दिस डेफिनेशन जो यहां डिफाइन की हुई है कि जो 2 है उसको डिवाइड करना चाहिए इन दोनों के डिफरेंस को, यानी एन माइनस एन को। इसका मतलब है कि जो 2 है इसको डिवाइड करना चाहिए 0 को। तो क्या ये सही बात है, क्या 2 0 को डिवाइड करता है? सिंबल से थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जी, ये जो सिंबल लिखा 2 डिवाइड 0, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कहा जा रहा कि 2 ओवर 0, नो नो, ये कहा जा रहा है कि 2 0 को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि 0 ओवर 2, और देखिए 0 ओवर 2 जो है इसका आंसर 0 आता है, 2 0 को डिवाइड करता है। एक्चुअली 0 को हर नंबर ही डिवाइड करता है, कोई भी नंबर ले लीजिए, 0 के बटे में आप 3 रख लीजिए जवाब 0 आएगा, 0 के बटे में आप 10 रख लीजिए जवाब 0 आएगा, 0 को हर नंबर डिवाइड करता है। तो ये बात ट्रू है। इट मीन्स हम यहां से कंक्लूजन करेंगे कि जो आर है वो रिफ्लेक्सिव है, आर ये प्रॉपर्टी पूरी करता है। नंबर 2 पे आ जाइए, रिफ्लेक्सिव पर क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक के लिए स्टार्ट करते हैं, इफ एन आर एम ट्रू हो तो, हमने साबित करना है कि एम आर एन भी ट्रू है। तो चलिए एन आर एम का मतलब क्या बनता है, अगर ये है तो बाय डेफिनेशन क्या होगा,
तो जो 2 होगा वो डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, मतलब n माइनस m को, ठीक है, ये हम जानते हैं। अब आप ये भी जानते हैं कि अगर 2 किसी नंबर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर के नेगेटिव को भी डिवाइड करता है, ये कंफर्म बात है। ये मैं ऊपर बताइए कि कोई भी नंबर जब किसी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करता है। अगर 2n माइनस m को डिवाइड करता है तो 2 इस नंबर के नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 डिवाइड करेगा, ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, ये बनेगा माइनस m और प्लस m, ये आप इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स बाई m को लिखिए पहले और n को कर दिए बाद में। और ये का मतलब बन रहा है, इसका मतलब बनता है एम आर एन। देखिए डेफिनेशन, एन आर एम हो तो ये लिखते हैं, देखिए ये और इसको देखिए, एन पहले है एम बाद में है, तो ये एन यहाँ पे आएगा एम बाद में आएगा, और मैं अब कहाँ तक पहुंच चुका हूँ, एम माइनस तक पहुंच चुका हूँ। इट मीन ये किसके ऊपर आएगा, ये एम आर एन आएगा। और यही तो डेफिनेशन थी सिमेट्री की, कि भी ए आर बी हो तो बी आर ए होना चाहिए। इट मीन्स क्या हो गया कि मेरा जो रिलेशन है आर, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है। तो इसमें देखिए 2 प्रॉपर्टी तो होल्ड होगी। व्हाट अबाउट थर्ड प्रॉपर्टी, क्या तीसरी प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड होती है, चलिए चेक कर लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, ट्रांजिटिव। तो क्या हमारे पास जो रिलेशन है क्या वो ट्रांजिटिव भी है, उसके लिए क्या करेंगे, इफ आप इसमें लेंगे 2 बातें, कि जो n है n r m भी गिवन है, एंड और एक लीजिए एम आर, कोई और कर लीजिए k कर लीजिए, ऑफकोर्स जो n होगा m होगा k होगा वो हमारे s को बिलोंग करते हैं। तो हमने साबित करना है कि फिर n r k ट्रू है या नहीं। चलिए इसको हम इसमें प्रूफ करते हैं। जगह थोड़ी सी कम है तो मैं ऐसा करता हूँ, पर थोड़ा सा रेज कर देता हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा स्पेस चाहिए, तो मैं जरा इसको यहां से रेज कर दूं। चलिए अब देखिए, अब पहली बात है कि एन आर एम, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 डिवाइड्स एन माइनस एम बाय डेफिनेशन। देखिए ऊपर दी हुई है, बार बार अपनी नजर डेफिनेशन पर रखिए कि अगर एन आर एम हो तो एन माइनस एम इज डिविजिबल बाय 2, यानी आप इसको यूं देखिए, ये मैंने आगे इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है, अगर n r m है तो 2 डिवाइड करेगा n माइनस m को। तो इसी तरह इसके अंदर जो कि n r m है तो 2 डिवाइड करेगा n माइनस m को, और n और जो दूसरी बात इसमें दी हुई है वो ये है, इट मीन्स कि 2 डिवाइड करेगा m माइनस k को। ये 2 रिजल्ट मेरे पास आ गए। अब देखिए, अब अगर 2 एक नंबर को डिवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल 2 डिवाइड करता है जी 4 को और 2 डिवाइड करता है जी 6 को, तो लाजमी बात है कि जो 2 होगा वो उन 2 नंबर के सम को भी डिवाइड करेगा, यानी वो फिर 10 को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह अगर 2 n माइनस m को डिवाइड करता है और 2 m माइनस k को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि जो 2 होगा वो इन दोनों के सम को, यानी n माइनस m प्लस m माइनस k को भी डिवाइड करेगा। और इसको मैं लिखता हूँ 2, इसमें देखिए m से m कट गया तो क्या बाकी रह गया, एन माइनस के रह गया, और इसको फिर कन्वर्ट कीजिए आर की फॉर्म में तो क्या बनेगा, ये बनेगा एन आर के। तो देखिए मैंने पहले स्टार्ट किया था एन आर एम लिया, मैंने एम के लिया, एम आर के लिया, तो मैंने क्या प्रूफ कर दिया, एन आर के जो कि प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव की, लिहाजा जो आर होगा इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब हुआ कि आर रिफ्लेक्सिव भी है, आर सिमेट्रिक भी है, आर ट्रांजिटिव भी है, तो मतलब जो आर होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। देखिए मैंने 3 एग्जांपल ली हैं और 3 एग्जांपल में मैंने आपको इक्विवेलेंस रिलेशन की कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको ये समझ अब आ गया होगा, और बहुत सारी एग्जांपल आपकी बुक में दी हुई है, वहाँ उनको देखिए और आप उनको चेक कीजिए कि क्या वो इक्विवेलेंस है या नहीं है। अच्छा, इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद आगे आ जाइए, इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट एस। तो अब हमें कहा गया कि एक सेट एस है और एक रिलेशन आर है, और ये गिवन है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब है कि वो रिफ्लेक्सिव भी होगा, वो सिमेट्रिक भी होगा और वो ट्रांजिटिव भी होगा। एंड लेट एक्स एन एलिमेंट ऑफ एस, कोई एक एस का एलिमेंट ले लीजिए, उसको आप एक्स कह लीजिए। द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स डिनोटेड बाय एक्स, आप इस तरह बॉर्ड में कह लीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कह लीजिए, इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एस
टू विच एक्स इज रिलेटेड, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, समझिए इसको। हमें ये बात गिवन है कि एस एक सेट है और उसके ऊपर एक इक्विवेलेंस रिलेशन आर डिफाइन है। तो सेट एस का कोई एक एलिमेंट लीजिए और हर वो एलिमेंट इकट्ठे कीजिए जो इस एक्स से रिलेटेड है। देखिए ये लिखा हुआ है कि एक्स की जो क्लास होगी उसके अंदर हर वो एलिमेंट वाई होगा, ऑफकोर्स वो वाई भी एस का होना चाहिए, जो इस एक्स से रिलेटेड है। रिलेटेड का फार्मूला हर दफा में दिया जाएगा कि वो किस फार्मूले से रिलेटेड, क्या वो एक्स आर वाई का मतलब एक्स इज इक्वल टू वाई है या टू डिवाइड्स वाई माइनस एक्स है, डजंट मैटर, जो भी उसमें डेफिनेशन होगी उसमें दी जाएगी। तो उस डेफिनेशन को पूरा करें, हर वो एलिमेंट एस का जो एक्स के साथ रिलेटेड हो जाए, उसके साथ रिलेशन हो जाए अंडर सम गिवन रिलेशन, और उन तमाम एलिमेंट को आप इकट्ठा कर लें तो वो एक्स की क्लास बन जाती है। उसको हम इस तरह शो करते हैं, थोड़ा सा इसको आपने, मैं भी एग्जांपल पेश करता हूँ, फिर आप वहाँ पे देखेंगे किस तरह हमें पता चलेगा कि एक्स की क्लास क्या है। बड़ा आसान है, बस हमने लिस्ट करने होते हैं कौन कौन से एलिमेंट इस एक्स से रिलेटेड है, उनको इकट्ठा कर लें वो एक्स की क्लास बन जाती है। अच्छा आगे देखिए, अब आप एक ही क्लास नहीं होगी क्योंकि एक एलिमेंट के लिए है, एक्स का एक एलिमेंट है, तो एक्स में तो और भी एलिमेंट हो सकते हैं, और भी आएगा उसकी भी क्लास बन सकती है, तो तीसरी भी, तो एस के अगर अंदर चार एलिमेंट है तो उसकी पॉसिबल है कि चार क्लासें बन जाए, चार से कम भी बन सकती हैं, कोई दो क्लासें बराबर भी आ सकती हैं, लेकिन चार अगर हैं तो पॉसिबल चार तो बन सकती हैं। उन तमाम क्लासेस को इकट्ठा कर लीजिए, एक सेट में डाल दीजिए, और वो जो सेट होगा उसे कहते हैं क्वेश्चन सेट। ये नेक्स्ट कोई सेट विच कंसिस्ट ऑल सच इक्विवेलेंस क्लासेस इज कॉल्ड क्वेश्चन सेट ऑफ एस बाय आर, और इसको वैसे शो करते हैं एस बाय आर लिखते हैं, और इसके अंदर क्या होगी, इसके अंदर हर एक्स जो एस का एलिमेंट होगा उसकी क्लास मौजूद होगी। अच्छा इस क्लास को जो ये सिंबल है इसकी और सिंबल की होती है, इसको सम टाइम ऐसे भी कह देते हैं, एक्स के ऊपर बार लगा देते हैं, या इसके लिए एक और होती है एक्स ऐसे भी कह देते हैं, ये इसकी पॉसिबल सिंबल है, कोई बुक वाला ये यूज करता है, कोई सबसे ज्यादा कॉमन इसको इस्तेमाल किया जाता है, ये इसकी क्लासेज आ गई। देखिए अब हमने इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन कर दी है, और उन तमाम क्लासेस का जो सब कलेक्शन होगी उसको हम कहते हैं कि वो क्वेश्चन सेट बनेगा, उसको डिफाइन कर दिया। अब इसकी एग्जाम्पल देखिए, चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। ये यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेट लिया हुआ है, और ये सेट इस तरह लिया हुआ है, और इसको जब पढ़िए, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन आर ऑन अ सेट एस। देखिए सेट एस दिया गया है, इसके अंदर चार एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है जिस तरह कि हम पहले डिफाइन किया सेट की फॉर्म में, 1, 1 के साथ रिलेटेड है, 2 का 2 के साथ है, 1, 3 है, 3, 1 है, 3, 3 है, और 4, 4 है। तो ये एक रिलेशन है, वन कैन शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव, तो ये एक रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव दैट इज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये आप साबित कर सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए हम साबित कर ही लेते हैं, हम कहते हैं कि जो आर रिलेशन है ये एक इक्विवेलेंस है, तो इसमें ये तीन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, हमने अभी तीन एग्जाम्पल की है, चलिए ये चौथी एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव, क्या आर रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर ईच या फॉर एवरी ए बिलोंग टू एस इंप्लाइज ए आर ए होना चाहिए, या इसको ये लिखते हैं कि ए कोमा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहां जो सेट की नोयत ऐसी है कि हम ये सेकंड वाली डेफिनेशन को ज्यादा इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ए कोमा है उसके अंदर हर सेट के लिए। अब देखिए एस के अंदर अगर चार एलिमेंट है जहां जो कि चार दिए हुए थे, तो उस चारों के जो अपने साथ रिलेशन है वो उस आर में होना चाहिए, यानी इस केस में 1, 1 भी इसके अंदर होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी, और 4, 4 भी। तो देखिए आर के अंदर 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 भी है, 4, 4 भी, तो सारे उसके जो एलिमेंट थे एस के उनके अपने साथ जो रिलेशन था वो इस आर में मौजूद है, लिहाजा जो आर है वो एक रिफ्लेक्सिव है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, ये हमारी पहली प्रॉपर्टी पूरी होगी। नेक्स्ट चेक कीजिए दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, कि आर को सिमेट्रिक होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन अथवा लिखने जरूरी नहीं है, मैं चेक करना आपने होता है। देखिए इसका अंदर अगर इसके अंदर ए कोमा बी हो आर के अंदर, तो जरूरी है कि उसका जो इनवर्स एलिमेंट है बी कोमा है वो भी आर के अंदर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं,
पहला 1.1 इस कन्वर्स का बनेगा, वो खुद ही बनेगा तो वो उसके अंदर मौजूद है, इज गुड। नेक्स्ट 2.2 ये भी देखिए सेम एलिमेंट आ गया, तो इसमें ये आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, इसका इनवर्स यही बनेगा तो वो उसके अंदर मौजूद है। 1.3 तो 1.3 के साथ 3.1 भी होना चाहिए, और देखिए वो नेक्स्ट वो ही दिया हुआ है, इट मीन 1.3 है तो 3.1 आ गया, यानी ए कोमा बी दिया तो बी कोमा इसके अंदर आ गया। नेक्स्ट 3.3 है, ये जो सेम आ गया उसका इनवर्स वही होता है, वो उसके अंदर ऑलरेडी है, और ये भी इट मीन्स इस आर के हर दफा जब इसके अंदर ए भी होगा तो बी ए इसके अंदर है, लिहाजा जो आर है वो एक सिमेट्रिक है। देखिए इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी भी पूरी हो गई, ये जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक भी है। अभी इक्विवेलेंस के लिए एक और कंडीशन चेक करना बाकी है, और वो है ट्रांजिटिव की, क्या आर ट्रांजिटिव भी है। उसके लिए क्या करते हैं, आप दो एलिमेंट लेते हैं, हमने कहना था कि ए कोमा बी इफ ए कोमा बी आर के अंदर है और उसके साथ साथ बी कोमा जो सी है वो भी आर के अंदर है, तो फिर जरूरी है कि उसके अंदर ए कोमा सी भी उसके अंदर होना चाहिए। तो देखिए फिर आर पे आ जाइए, 1.1 है, और देखिए ऐसा और एलिमेंट जो 1 से स्टार्ट होगा ये 1.3, तो आप इन दो को देखिए 1.1 और 1.3, ये ए बी है ये बी सी है, तो 1.1 भी है और 1, मैं इसको यहां लेता हूं 1, जो 1 है ये भी देखिए आर के अंदर है, और 1, जो 3 है ये भी आर के अंदर है। तो मुझे चेक क्या करना है, इंप्लाइज ये ए बी है ये बी सी है तो ए सी होना चाहिए, पहले वाला पहले जो पेयर है उसका पहला एलिमेंट और जो दूसरा पेयर है उसका लास्ट एलिमेंट जो कि बनेगा 1.3, ये लाजमी है कि ये भी आर के अंदर होना चाहिए, और आप देख सकते हैं कि 1.3 उसके अंदर दिया हुआ है। आगे चेक कर लिए 1.3 और 3.1, देखिए उसके अंदर 1.3 भी है और 3.1 भी है, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए, 1.1 भी होना चाहिए, यानी पहला और आखिरी, तो देखिए 1.1 भी उसके अंदर मौजूद दिया हुआ। आगे आ जाइए 3.1 और फिर कोई 1 नंबर मिलाइए, वो ये है 3.1 और 1.3, तो फिर क्या इसके अंदर होना चाहिए, यानी तीसरा मैं चेक कर रहा हूं, मैं ये चेक कर रहा हूं कि 3.1 भी इसके अंदर है और 1.3 भी इसके अंदर है, तो इट मींस क्या होगा कि जो फिर 3.3 बनता है वो भी उसके अंदर होना चाहिए, और आप देख सकते हैं वो उसके अंदर मौजूद है। इसका मतलब हुआ कि हर दफा जब ए बी और बी ए उसके अंदर है, सॉरी ए बी और बी सी उसके अंदर है, तो ए सी भी इसके अंदर आएगा, लिहाजा जो आर है वो एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है, क्योंकि आर अब रिफ्लेक्सिव भी हो गया, आर इसके अंदर सिमेट्रिक भी हो गया, आर इसके अंदर ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इट मींस क्या हुआ कि आर जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो इक्विवेलेंस रिलेशन की हर प्रॉपर्टी को पूरा कर रहा है। तो देखिए इस एग्जांपल में ये लिखा हुआ था कि वन कैन शो दैट, हमने साबित कर दिया, चेक कर लिया कि भाई ये जो रिलेशन आर है ये एक इक्विवेलेंस है। इट मींस इस तरह का जब भी आपको दिया जाएगा रिलेशन सेट की फॉर्म में, आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि क्या वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा काम तो नेक्स्ट, हम तो इक्विवेलेंस क्लास चेक करना चाह रहे थे, तो चलिए इक्विवेलेंस क्लास के बारे में हम फर्दर इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वन कैन शो दैट आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, दैट इज आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। यस, वी हैव नाउ सीन दैट के जो आर है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है अंडर द रिलेशन आर। अब उसने क्या कहा है कि ये उसकी क्लासेस बनाई है, ये क्लासेस इसको देखिए कैसे बनाई है, ये देखिए आप आर के अंदर आ जाइए, मैं आर को, अगर आपको ये थोड़ा बारीक है तो मैं आर को जरा सा बड़ा कर देता हूं। तो R के अंदर क्या एलिमेंट है, इसके अंदर 1.1 है, फिर इसके अंदर 2.2 है, फिर इसके अंदर 1.3 है, फिर इसके अंदर 3.1 है, फिर इसके अंदर 3.3 है, और फिर इसके अंदर 4.4 है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 एलिमेंट। तो हमने अब और हमारा S क्या था, S के अंदर मेरे पास चार एलिमेंट थे, एक 1 था, एक 2 था, एक 3 था और 4 था। अब मेरे क्लासेस फाइंड करनी, तो जो क्लासेस होती हैं वो क्या होती हैं, आप S के एलिमेंट लीजिए, पहला 1 लीजिए, ये 1 आ गया, और इसकी क्लास ढूंढिए कि S1 की क्लास क्या क्या है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है। तो हमने देखना यह है कि जो रिलेशन हमें दिया गया है उस रिलेशन में, ये बड़े गौर से सुनने वाली बात है कि 1 की क्लास वो एलिमेंट है जो गिवन रिलेशन के अंदर 1 से रिलेटेड है,
तो चेक कीजिए कौन कौन से एलिमेंट जो वन से रिलेटेड है। पहला देख लीजिए, वन के साथ वन रिलेटेड है, इसमें वन नहीं है। अब फिर यहां देख लीजिए, वन के साथ थ्री रिलेटेड है, यानी हमने सब फर्स्ट एलिमेंट को वन होना चाहिए। तो दो एलिमेंट हैं जो वन से रिलेटेड हैं, एक वन इटसेल्फ और एक थ्री। ये जो दो एलिमेंट हैं ये इस वन की क्लास है। चलिए अब ये हो गया पहला एलिमेंट। अब दूसरे पे आइए, जो टू है इसकी क्लास कौन सी है। बाय डेफिनेशन टू की क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जो टू से रिलेटेड है। तो इस रिलेशन में आइए, टू से कौन कौन रिलेटेड है, टू से टू रिलेटेड है और उसके अलावा कोई और रिलेटेड नहीं है। तो इसका अंदर टू की क्लास में सिर्फ टू ही शामिल होगा। नेक्स्ट आ जाइए थ्री की क्लास। थ्री की क्लास में क्या होगा, बाय डेफिनेशन थ्री की क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जो थ्री से रिलेटेड है। अब आप देखिए क्या ये जो एलिमेंट है वन थ्री, क्या थ्री से रिलेटेड नहीं, हम इसको चेक नहीं करते। थ्री से रिलेटेड के लिए थ्री का उस ऑर्डर पे में फर्स्ट एलिमेंट होना जरूरी है। हम इससे चेक करेंगे कि थ्री कोमा वन ये थ्री से रिलेटेड है और थ्री कोमा थ्री ये थ्री से रिलेटेड है। इसमें थ्री से दो एलिमेंट रिलेटेड है, एक वन है और एक थ्री है, तो इसके अंदर भी वन कोमा थ्री आ जाएगा। फाइनली चेक कीजिए चार, चार की क्लास में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे इस गिवन रिलेशन में जो फोर से रिलेटेड है। और देखिए वो एक ही नंबर है और वो है फोर, तो इसका मतलब इसके फोर। तो देखिए इस सेट एस की चार क्लासेस बनती हैं बजाहिर, लेकिन अगर आप गौर करें तो ये जो क्लास वन है ये वाली और जो थ्री वाली क्लास है ये बराबर है। इट मीन जो क्लास वन है ये बराबर आ गई है क्लास थ्री के। तो इसके अंदर बेसिकली डिस्टिंक्ट है वो कुल तीन क्लासेस हैं, एक वन, एक टू और एक आप फोर ले लीजिए, या फिर आप टू थ्री फोर ले लीजिए, यानी वन और थ्री में आपको एक चूज करना पड़ेगा। तो ये क्लासेस आ गए जो मैंने पीछे डिफाइन किया था कि क्लासेस क्या होती हैं, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं। ये इक्विवेलेंस क्लासेस हैं, एक्स की क्लास में वो एलिमेंट वाई आएंगे जो एक्स से रिलेटेड होंगे गिवन सिनेरियो में। तो देखिए मैंने वन की भी क्लास इक्विवेलेंस क्लास निकाली, टू की भी इक्विवेलेंस क्लास निकाली, थ्री की भी, फोर की, ये आ गए इक्विवेलेंस क्लासेस। और फिर मैंने डिफाइन किया था देखिए कि क्वेश्चन सेट क्या होता है। क्वेश्चन सेट क्या है, आप सारी की सारी जो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं उनको इकट्ठा कर लीजिए, वो बन जाएगा क्वेश्चन सेट। तो यहां देखिए, यहां जो बनेगा जो एस आर एस बाय आर जो बनेगा, तो एस की सारी क्लासेस, तो वो कुल चार नहीं तीन ही बनती, बिकॉज एक तो सिमिलर आ गई। इसमें देखिए आपके पास क्या बनेगी, एक इसके अंदर वन आ जाएगा, एक इसके अंदर टू आ जाएगा, क्योंकि वन और थ्री बराबर है, तो फिर एक इसके अंदर फोर आ जाएगी। ये जो है ये उसका क्वेश्चन सेट बनता है, या इसको आप यूं भी कह सकते हैं, आप इसके अंदर वन ना लीजिए, आप इसके अंदर टू ले लीजिए, आप इसके अंदर थ्री ले लीजिए, या आप इसके अंदर फोर ले लीजिए। ये देखिए ये भी इसकी इक्विवेलेंस क्लास है, दोनों सेम, ये इसकी है इक्विवेलेंस क्लास। तो इक्विवेलेंस क्लास और ये इसका जो सेट बन गया इसे कहते हैं क्वेश्चन सेट। तो ये क्वेश्चन सेट बन गया तमाम पॉसिबल इक्विवेलेंस क्लास की। अब मजे की बात इसके बाद वाली बात वो ये बात है कि जो क्वेश्चन सेट होता है, जो सारी के सारी इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, वो सेट एस की पार्टीशन करती है। कैसे करती हैं, इसको थोड़ा सा आगे देखिए। अब मैं ये सेट लिख रहा हूं, इसको मैं पी कह देता हूं, और इसके अब एलिमेंट ढूंढिए। वन क्लास में क्या एलिमेंट थे, ये देखिए वन है और थ्री है, तो आप इसके अंदर सेट ले लीजिए एक वन और थ्री। यानी मैं क्या कर रहा हूं, मैं उसकी इस वन की वैल्यू प्लग कर रहा हूं, टू इसका ये दिया था, इसके अंदर ये सेट था, ये इसकी वैल्यू आ गई टू। उसके बाद देखिए फोर था, फोर की ये वैल्यू थी, ये आ गया फोर। और ये देखिए ये एक पार्टीशन है, चेक कीजिए शुरू वाली मैंने स्टार्टिंग चेक में बताया था कि पार्टीशन क्या होती है। उसके अंदर सबसेट होने चाहिए जो डिसजॉइंट हो, ये कि डिसजॉइंट है, वन थ्री टू फोर कोई कॉमन नहीं है, और उनको जब यूनाइट करें, यूनियन लें, तो आपके पास क्या आना चाहिए, सेट एस आना चाहिए। तो अगर आप इसका नाम रख दें कि ये एस वन है, ये एस टू है, तो ये एस थ्री है, तो पी के अंदर मेरे पास क्या आ गया, एस वन भी आ गया, एस टू भी आ गया और एस थ्री भी आ गया। इस तरह के एस वन का इंटरसेक्शन एस टू के साथ फाई है, एस वन का इंटरसेक्शन एस थ्री से फाई है, एस टू का इंटरसेक्शन एस थ्री से फाई है, और एस वन यूनियन S2 यूनियन S जो 3 होगा, ये देखिए किसके बराबर आएगा, आप चेक कर लें। S1 के अंदर 1,3 है, वो 2 है, 4 है, इसके बनेंगे 1,2,3,4, और देखिए ये सेट S बन गया। तो ये क्या बन गया, ये उसकी पार्टीशन बन गई। आप डायग्राम ड्रॉ करके देख सकते हैं, आप इसके अंदर देख लीजिए ये सेट S है, और इसके अंदर आप
इसके कुल तीन हिस्से बनेंगे। पहले हिस्से में आएगा वन और थ्री आएगा, फिर एक में टू आएगा, एक में फोर आएगा। आप देख सकते हैं कि ये उसकी पार्टीशन कर रहा है। इसका मतलब कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं, जो उसका सबसेट हो, सब जो उसकी कलेक्शन होती है, यानी जो सेट एस ओवर आर है, इसको कोशेंट सेट पढ़ते हैं, ये उस सेट एस की पार्टीशन करता है। तो अगर आपने किसी सेट की पार्टीशन करनी है तो आप उसके ऊपर एक रिलेशन लीजिए, उस रिलेशन को इक्विवेलेंस होना चाहिए, उसकी तमाम क्लासेस निकालिए, उनका सब उनकी कलेक्शन लीजिए और वो उसकी पार्टीशन कर देगा। तो ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर। देखिए इसके अंदर एक और एग्जांपल भी दी हुई है, आप उसको भी देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। चलिए मैं इसको पहले रेस कर दूं। चलिए जी, अब देखिए इसकी एग्जांपल नंबर ये बी है, इसको देखिए। इसमें क्या है, आर फाइव विद द रिलेशन ऑन द सेट जी ऑफ इंटीजर्स। तो अब जो जी आ गया उसके अंदर सारे के सारे इंटीजर्स हैं, जीरो है, प्लस माइनस वन है, प्लस माइनस टू है, एंड सो ऑन है। और हमने रिलेशन डिफाइन किया है, ये उसने अजीब सा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक्स, ये तीन ऐसे लाइन्स हैं, फिर वाई है, फिर मॉड है और ये फाइव। ठीक है, इसका मतलब क्या बनता है, इसको बढ़ते हैं, एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू वाई मॉडुलो फाइव। इसका मतलब ये बनता है, सिंपली आप ये पढ़ चुके हैं अभी, इसका मतलब ये फाइव है ना, वो डिवाइड करता है इन दोनों के डिफरेंस को, यानी एक्स माइनस वाई को। आप याद कीजिए कि आप पीछे आपने पढ़ा है, यही पढ़ा था कि जो एन एक एग्जाम्पल में एन आर एम था, हमने कहा था कि जो 2 है वो डिवाइड करता है n माइनस एम को। तो इसका व्यू भी ले सकते थे कि n इज कॉन्ग्रुएंट टू m और मॉडुलो 2, या आप इस तरह इसको ले सकते हैं, ये वही चीज है, सिर्फ वहां पे 2 था और यहां पे 2 की जगह पे 5 आ गया, ये सेम वही है, सिर्फ डिफरेंट नोटेशन। मॉडुलो में 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, अब कुछ भी ले सकते इसके अंदर, ये सब एक ही कैटेगरी के क्वेश्चन है। चलिए इसको जरा हम डिटेल से देखते हैं। अब उसने इसके बारे में क्या क्लेम किया है, which reads x is congruent to y modulo 5 and which means that the difference x minus y is divisible by 5, ye jo 5 hoga wo usko divide karega, then r5 is an equivalence relation on z, ye bilkul ek equivalence relation hai, hum pehle bhi dekh chuke hain, usme wo 2 tha, koi farak nahi padta 2 se divide kare 3 se kare, har dafa wo ek equivalence relation hi banega। aap yahan bhi check kar sakte hain tezi ke sath, main agar aapko usse review karwa dun badi easily aap ye check kar payenge। पहले चेक करना कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे ये असल में ये x r y को उसने ऐसे डिफाइन किया, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे आप x r x लेंगे और इसका मतलब होगा कि जो 5 होगा वो डिवाइड करेगा x माइनस एक्स को, इट मीन्स कि 5 डिवाइड करेगा 0 को, क्योंकि 0 को हर नंबर डिवाइड करता है, तो ये ट्रू है, तो इट मीन्स r आपका रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड चेक करना है आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, तो आप x आर वाई लीजिए, इसका मतलब बनेगा कि जो 5 होगा वो डिवाइड करेगा x माइनस वाई को, क्योंकि 5 x माइनस वाई को डिवाइड करेगा तो फिर उसके नेगेटिव को भी डिवाइड करेगा, अगर नेगेटिव को डिवाइड करेगा तो उसको आप लिख सकते हैं y माइनस एक्स, और ये बन जाएगा मेरे पास y r x बन जाएगा, लिहाजा ये उसका सिमेट्रिक भी है। और सेम आप ट्रांसिटिव ले सकते हैं कि x r y है और y r z है, तो इसका मतलब बनता है कि जो 5 है वो डिवाइड करता है x माइनस वाई को, इसका मतलब है कि 5 वो डिवाइड करता है y माइनस z को, अगर 5 दो नंबर को डिवाइड करता है इंडिविजुअली तो फिर उनके सम को भी डिवाइड करेगा, तो 5 डिवाइड करेगा उनके सम को, जब सम करेंगे y कट जाएगा तो x माइनस z बनेगा, विच मीन कि जो x होगा वो r z बनेगा, लिहाजा जो आपका रिलेशन है वो देखिए कि आपका वो सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। तो ये हम आप चेक कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, पीछे जो एग्जांपल की भी उसमें आप 5 को बस 2 से रिप्लेस कर दीजिए, सेम वही स्टेप आप रिपीट कीजिए, आप यहाँ पे 5 लगा दें, 6 लगा दें, 7 लगा दें, जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसी तरीके से आप उसको कर सकते हैं।
अच्छा ये तो हम चेक कर चुके हैं, लेकिन यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, देन आर फाइव, उसने इसका नाम आर फाइव रखा हुआ है, ठीक है, आर जैसे आर फाइव कह दिया हुआ है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी, देर आर एग्जैक्टली फाइव इक्विवेलेंस क्लासेस। अब हमारा काम क्या था, इक्विवेलेंस क्लासेस को डिफाइन करना। देखिए जी ये है, अब देखिए इसमें, अब इसमें इन्फिनिट एलिमेंट है, अब इसकी क्लासेस कौन कौन सी होंगी, हर एलिमेंट की अलग क्लास आनी है, याद रखिए। तो पहले ये जीरो लीजिए, तो जीरो की जो क्लास है वो क्या होगी, जीरो क्लास का मतलब है कि हर वो एलिमेंट इस सेट में आएगा जो जीरो से रिलेटेड है, और जीरो से रिलेटेड होने का क्या मतलब बनता है, ये देखिए कि एक्स वाई से रिलेटेड तब होगा जब उनके डिफरेंस को फाइव डिवाइड करेगा। तो ऐसे कौन से एलिमेंट हैं, ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो इस जीरो से रिलेटेड है, देखिए इसको अगर मैं लिटरेचर में लिखूं तो मतलब ये बनता है कि जीरो आर वाई, हर वो वाई इसके अंदर आएगा जो जीरो से रिलेटेड है, और इसका मतलब बनता है कि जो फाइव है वो डिवाइड करे जीरो माइनस वाई को, या फाइव डिवाइड करे, यानी जस्ट आप कह रहे हैं कि माइनस वाई को। अब देखिए इसमें, इस सेट में जो जी है कितने एलिमेंट हैं जिनको 5 डिवाइड कर रहा है, ऑफ कोर्स 0 को डिवाइड कर रहा है, 0 को हर नंबर डिवाइड करता है, उसके बाद 1 को 5 डिवाइड नहीं करता है, ना 2 को करता है, ना नेगेटिव 2 करता है, ना नेगेटिव 1, उसके बाद कौन सा एलिमेंट आएगा जिसको 5 डिवाइड करता है, ऑफ कोर्स वो 5 आएगा, अगर 5 आएगा तो पॉजिटिव 5 भी आएगा और नेगेटिव 5 भी आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 10 आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव 15 आएगा, एंड सो ऑन, ये तमाम नंबर हैं और ये इन्फिनिट आएंगे, इन तमाम को 5 क्या करता है, डिवाइड करता है, तो ये सारे के सारे जो नंबर हैं ये 0 की क्लास में आ रहे हैं। चलिए अब आ जाइए 1, 1 की क्लास क्या होगी, 1 की क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जो 1 से रिलेटेड है, तो 1 से कौन से रिलेटेड है, बाय डेफिनेशन देख जाते हैं कि हर वो एलिमेंट, हर वो वाई इसमें आएगा जो इस 1 से रिलेटेड है, और इसका मतलब ये बनता है कि जो 5 है वो डिवाइड करे 1 माइनस वाई को, तो इस सेट में कितने वाई हैं, जब यहां प्लग करें वाई की जगह तो 5 उनको डिवाइड करे, यानी इसके अंदर देखिए वाई ऐसा लेना है कि उसमें हम 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी उसको 1 से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट जो है वो 5 पे डिवाइड करता हो, यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि जो 5 है वो डिवाइड करता है y माइनस 1 को, क्योंकि वो नेगेटिव को डिवाइड करेगा, तो y क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे y 1 आ सकता है, आ सकता है, क्योंकि 1 माइनस 1 0 होगा और 5 0 को डिवाइड करेगा, इसका तो यहाँ पे 1 आ सकता है। देखिए जिसकी क्लास होती है ना वो पहला वही एलिमेंट होता है, क्या इसमें 2 आ सकते हैं, तो 2 माइनस 1 1 है, तो 5 1 को डिवाइड नहीं करता, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, क्या 5 आएगा, 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा, 5 4 को डिवाइड नहीं करता, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, वो 6 आएगा, 6 माइनस 1 इज 5 एंड नाउ 5 डिवाइड 6, तो इसका वो नेक्स्ट एलिमेंट का 6 आएगा, और पॉजिटिव भी आएगा और नेगेटिव भी आएगा। अब आप तरतीब चेक कीजिए, वहाँ ऊपर भी पैटर्न देखिए, पैटर्न क्या था कि 5 के डिफरेंस पे नंबर आते जा रहे थे, और यही डिफरेंस यहाँ पे आना, ये एक है, 6 है, फिर 11 आएगा, फिर देखिए 16 आएगा, सो ऑन, और ये सब पॉजिटिव भी आएंगे, ये पॉजिटिव और नेगेटिव भी आएंगे, क्योंकि इंटीजर सारे हैं, ये सारे पॉजिटिविटी अगर नंबर जाएं, ये इस 1 की क्लास में होंगे। इस पैटर्न को देखते हुए अब बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि जो 2 की क्लास आएगी उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट ये 2 ही आएगा, और फिर 5 के डिफरेंस से नेक्स्ट 7 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 17 आएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव सारे एलिमेंट इसमें आते जाएंगे, एंड सो ऑन। जो 3 की क्लास बनेगी उसके अंदर कौन सी आएंगे, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव 3 आएगा, उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव 8 आएगा, एंड प्लस सो ऑन। फिर देखिए 4th क्लास की आएगी, उसके अंदर प्लस नेगेटिव 4 आएगा, फिर पॉजिटिव नेगेटिव 9 आएगा, एंड फिर सो ऑन। उसके बाद आ जाइए अब 5 की क्लास। अब 5 की क्लास में कौन से आएंगे, 5 की क्लास में वो एलिमेंट आएंगे जो 5 से रिलेटेड है, यानी 5 रिलेटेड टू y, यानी 5 डिवाइड बाय 5 माइनस वाई। अब वहां पे y क्या होना चाहिए कि ये इसको डिवाइड करे, देखिए y को 0 अगर हो तो 5 माइनस 0 5 होता है, तो 5 जो है 5 डिवाइड करता है, तो इसके अंदर एलिमेंट जो आएगा वो 0 आएगा। उसके बाद देखिए 1 आएगा नहीं, 5 माइनस 1 4, 5 डस नॉट डिवाइड 4, तो कौन सा आएगा, देखिए आप इसमें अगर चेक करेंगे उसके बाद 5 आएगा, क्योंकि 5 माइनस 5 0 होता है और 0 का हर नंबर डिवाइड करता है, तो इसके अंदर 5 भी आएगा।
आप अगर गौर करें तो इसका नेक्स्ट 10 आना चाहिए, फिर 50 आना चाहिए, और ये पॉजिटिव भी होंगे और नेगेटिव भी होंगे। और फर्दर अगर आप गौर करें तो ये जो क्लास है ये आपकी क्लास इसके बराबर आ गई है, ये वही एलिमेंट आएंगे जो जीरो वाले आएंगे। उसके बाद अगर आप सिक्स की क्लास निकालेंगे तो आप देखेंगे सिक्स की क्लास वही आनी है जो क्लास वन आएगी। आप सेवन की क्लास लीजिए वही आएगी जो क्लास टू आएगी। उसके बाद क्लासेस रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अंदर जो डिस्टिंक्ट क्लासेस आएंगी वो सिर्फ पांच होंगी, एक जीरो वाली, एक वन वाली, एक टू वाली, एक थ्री वाली और एक फोर वाली। ये सिर्फ पांच क्लासेस डिफरेंट आएंगी, बाकी तमाम क्लासेस इन्हीं के जैसी बन जाएंगी। तो जो डिफरेंट क्लासेस हैं, हम सिर्फ डिफरेंट लेते हैं, वो जो बनेगी ये आपकी इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही हैं। और अगर इनको आप इकट्ठा कर लें, यानी आप जीरो, और देखिए आप इसको यूं भी लिख सकते हैं और आप बार भी लगा सकते हैं, आप वन ले लीजिए और टू ले लीजिए, फिर आप थ्री ले लीजिए और फिर आप फोर ले लीजिए, और इसका आप सेट बना लीजिए, ये बनेगा मेरे पास एस बाय आर क्वेश्चन सेट। ये बनेगा, ये पांच एलिमेंट उसके अंदर आएंगे। और फिर आप देखिए कि जो पांच एलिमेंट हैं ये एलिमेंट सिर्फ नहीं है, ये पांच सेट हैं। जो जीरो क्लास है, ये जो जीरो क्लास आपके पास मौजूद है, ये दरअसल एक एलिमेंट नहीं है, इसके पीछे ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। और आप वन क्लास लीजिए, इसके पीछे ये सारे के सारे ये वाले एलिमेंट हैं, और ये सारे के सारे क्या करेंगी, ये इस इंटीजर की पार्टीशन करेंगी। आप ये भी देख सकते हैं कि ये पार्टीशन कर रही है। आप यहाँ पर ड्रॉ कीजिए, और चूंकि पांच सेट बने हैं तो आप इनके पांच हिस्से कर लीजिए, एक दो तीन चार और पांच कर लीजिए, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गई जीरो क्लास। तो जो जीरो क्लास है उसके अंदर एलिमेंट चेक कीजिए कौन से आ रहे हैं। जीरो क्लास में जीरो है, पॉजिटिव फाइव है और फाइव के सारे मल्टीपल है। इसमें देखिए जीरो आ रहा है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव फाइव आ रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव टेन आ रहा है, एंड सो ऑन। ये आगे क्लास जीरो। वन की क्लास में देखिए पॉजिटिव नेगेटिव वन है, पॉजिटिव नेगेटिव सिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव इलेवन है। क्लास थ्री के चेक कीजिए, उसमें सॉरी क्लास टू चेक कीजिए, उसमें टू आएगा, पॉजिटिव उसमें सेवन आएगा, एंड सो ऑन। जो क्लास आपकी ये जीरो थी, ये वन थी, ये टू थी, एक दो तीन चार पाँच, ये गलती से छः बन गए। तो जीरो क्लास, वन क्लास, टू क्लास भी चेक कीजिए, इसके बाद थ्री क्लास। थ्री में कौन से आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव थ्री आएगा, और उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव एट आएगा, एंड सो ऑन। और ये पॉजिटिव फोर क्लास में फोर आएगा, और उसके बाद ये नाइन आएगा। अब देखिए ये सारे के सारे एलिमेंट इकट्ठे कीजिए, ये जीरो लीजिए, यहां से आप जीरो पॉजिटिव नेगेटिव वन लीजिए, यहां से आप देखिए नेक्स्ट में आप जीरो माइनस टू लीजिए, इधर आप जीरो पॉजिटिव थ्री लीजिए, नेक्स्ट आप पॉजिटिव फोर लीजिए, और फिर वापस आ जाइए जीरो पे, उसके बाद आप देखिए पांच लीजिए, एंड सो ऑन। ये सारा का सारा सेट जो जी है ये आपका रिट्रीव हो जाना है। इट मींस इस सेट ने क्या किया, इस क्वेश्चन सेट ने जो इंटीजर सेट था उसकी पार्टीशन कर दी है। तो मुझे जो क्वेश्चन सेट होता है जो कि इक्विवेलेंस क्लासेस पे कंसिस्ट कर रहा होता है, वो उस सेट एस की पार्टीशन करना। तो ये आपके पास इसने नोटेशन डिफरेंट यूज की है, यहां से इसको जीरो वाले को ए जीरो कह दिया, इसको ए वन कह दिया, ए टू कह दिया, ए थ्री और ए फोर। देखिए वो इसने एलिमेंट लिस्ट किए हुए हैं डिफरेंट स्टाइल के अंदर, और उसने कहा आप चेक किया, चेक कर लें ए नॉट, ए वन, ए टू, ए थ्री, इनको जरूर लें, पूरा का पूरा जी आ जाएगा। इसकी स्पेशल नोटेशन क्या होती है, क्योंकि इसने इसको आर फाइव कहा हुआ था, इसको जेड आर फाइव कह लें, या और यहाँ पे सेट एस टू के में जेड कहा हुआ था उसने जेड कह दिया हुआ, या इसको जेड बाय फाइव टाइम जेड कहते हैं, ये भी इसकी पॉसिबल नोटेशन होती है। इसको यू भी कहते हैं, इसको यू भी कहते हैं। ये ग्रुप थ्योरी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे ना, आप देखिए वहाँ पे ये सारे सेट वहीं पे होने हैं, ये मडोलर नंबर्स होते हैं और ये उनका टेबल बनता है, कैलिस टेबल होता है, ये सारे के सारे इक्विवेलेंस क्लासेस से जनरेट हुए हैं। तो देखिए ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, हमने इस लेक्चर के अंदर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन से स्टार्ट किया था, बल्कि पार्टीशन से स्टार्ट किया था, इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़े, उसके बाद हमने इक्विवेलेंस क्लासेस पढ़ी, और फिर हमने काफ़ी सारी एग्जांपल में ये देखा कि किस तरह जो इक्विवेलेंस जो रिलेशन होते हैं वो एक गिवन सेट की पार्टीशन करते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। हम जो नेक्स्ट लेक्चर लेंगे उसके अंदर हमने डिफाइन करना है ऑर्डर्ड रिलेशन, जिसमें पार्शियल ऑर्डर होता है, पार्शियल ऑर्डर डिफाइन करेंगे और फिर उसकी हम प्रॉपर्टी जो है वो उसमें चेक करेंगे। आप अगर आपको क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, और देखते हैं मैथ विद डॉक्टर सईद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।